आज मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सलूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे, हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे, जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा, बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनका सल्यूट करते हैं जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने SKM की मीटिंग के बीच में रख के उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे, हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे, जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा, बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनका सल्यूट करते हैं जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने SKM की मीटिंग के बीच में रख के उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे
जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे सिर पड़वाए, हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है, अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है, बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है, और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे, जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे, और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा, बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनका सल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है, और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने SKM की मीटिंग के बीच में रख के उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, आज मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से